अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यहाँ अरुण केल आया हूँ। यहाँ से कुछ मसाइल भी हैं, खूबसूरती भी है, लेकिन मैं 5 साल के बाद दोबारा आया हूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ लोगों से मशवरा करके, यहाँ से इनसे इंटरव्यू लेके डिस्कस करके सिटी के मुतालिक जाना जाए। तो आज हमें एक बड़े सीनियर दोस्त मिले हैं। क्या नाम बताया जी आपने? मेरा नाम है रोशन खान। रोशन खान साहब हैं, इनसे मिलते हैं जी। अपने इस इलाके की कैसे आबाद हुए लोग, कितने खानदानों की औलाद है, कैसे कैसे हैं वहाँ, कुछ जहाँ टूरिज्म की वजह से तरक्की भी हो रही है, कुछ मसाइल भी हैं, सारी चीज़ें उसके मतलब बताएंगे। तो सर आप ना हमें बताएं कि पाकिस्तान जब ये अरन के कैसे आबाद हुए और कहाँ कहाँ से लोग आए। देखो जी, हमारी 200 साल की आबादी है, हम एक ही खानदान के तकरीबन 160 घर हैं। सही, 160 घर हैं यानी कि। जी जी ठीक है। हमें ज्यादा कर दो चीजों की मसाइल है, बहुत ज्यादा। सही। एक तो हमें रोड का मसाइल है। सही। दूसरा हमें डिस्पेंसरी का मसाइल, डिस्पेंसरी ट्रीटमेंट के लिए डिस्पेंसरी। जी 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 जनाब, मन अभी तो इतने ताजब बात होगी है, कोई मसला टूरिस्ट बीमार हो जाता है तो हम उठाकर उसको केल ले जाते हैं। केल नीचे, केल मेन के जो और ऊपर है 8000 फुट की बुलंदी, वो नीचे लेके जाते हैं। जी जी उधर तो वहाँ उस वक्त जाते हैं मरीज, बेशक और ज्यादा बीमार हो जाए। जी जी। और हमारी अपनी परेशानियां होती हैं किस्म किस्म की, लेकिन हमें ये दो बड़े बहुत बड़े मसाइल हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। तो खैर सर, ये बताएं कि आप लोग जब आए हैं कहाँ से आए? उस वक्त 200 साल पहले, 200 साल पहले हम, पहले हमारा बड़का आ गया था लाहौर, लाहौर से जनाब मानसर एबटाबाद। जी, मानसर एबटाबाद से फिर कागान में चले गए। कागान से? ठीक। कागान से फिर वापसी कई उनने बनाई, प्रोग्राम बनाया, मैं मकबूजा कश्मीर से वापस। ठीक हो गया। जब इधर आ गए तो फिर इधर ही उनका इधर सेटअप बन गया, फिर इंकलाब हो गया। ठीक हो, पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बन गया। ठीक हो। तो बस उसके बाद कोई रास्ता नहीं था, फिर जनाब मुजफ्फराबाद से हमारे वाल साहब ने नमक महीने से बाद नमक की चूंकि ज्यादा जरूरत होती है। ठीक हो गया। वो लाया फिर नारा से, फिर जनाब बड़ी बड़ी परेशानी हो गई। सही। रास्ते गया, फिर जनाब सन 73 में भट्टो साहब इस हमारे इलाके का दौरा किया। ठीक। तो उसने बताया, भाई देखो कितना खूबसूरत इलाका है, ये सूजी लैंड से भी अच्छा है, और ये लोग हैं, इनके लोगों के पास कितनी आजादियां हैं। सही। ये अभी काले जुब्बे पहनते हैं और घास के जूते पहनते हैं, मतलब अभी पत्थर के दौर में। जी जी, भट्टो साहब जब आ गया चंद सन 73 में इधर दौरा किया इस इलाके, उन्होंने गौर किया, देखा। हाँ देखा। फिर जनाब तकरीब 25 साल उनने राशन मुफ्त दिया, 25 साल राशन मुफ्त दिया, और रोड दिया। और बड़ा जुल्म था उस वक्त, चूंकि हमारे इलाके में जो फौज थी उनका सामान पोस्टों में चढ़ाना, फिर जब घर जाते थे जाकर उनको जनाब मुजफ्फराबाद से नीचे करते थे या छोड़ के आते थे। छोड़ा। अच्छा, ये जो आबादी जब मैं 5 साल पहले आया था, जहाँ इतने लोग नहीं थे, अब जो लोग जो बन गए हैं हमारे, जो इतने बड़े होटल बन गए हैं। उसने बताया जनाब ये फौज जो है ये अपना बंदोबस्त खुद करेगी, सिविलों का कोई इसे काम नहीं है। ठीक हो गया। तो ये पुट्टो दौर की बात है। जी जी। अच्छा, मैं इस तरफ आता हूँ कि ये जितने लोग हैं, जितने पहले जो 5-7 साल पहले हम आए थे, बड़ा खूबसूरत इलाका था, अब जगह जगह होटल छते नजर आ रही हैं, तो ये कैसे बन गए? लोगों ने बनाए, इनकी विरासत थी है, अपनी अपनी विरासत, यानी कि अपनी जमीन थी, जमीन अपनी है। अच्छा, लोगों ने अपनी जमीन में बनाया है, लेकिन लोगों ने, चंद लोगों ने रखे हैं, बाकी लोगों को रेंट में दिए, रेंट में दिए, लीज में चले गए, लीज में चले गए। अच्छा, जब उसमें सर्दी ज्यादा पड़ती है, 10-10 फुट बर्फ पड़ जाती है, बस फिर लोग, आप लोग अपना जरिया रोजगार का क्या इस्तेमाल? हमारा बस 3-4 होटल चलते हैं जो हमारे पास होते हैं, बाकी ये जनाब अल्लाह का फजल है जनाब, बस हम राशन अपनी डेम कर देते हैं। अच्छा, कठी स्टोर कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, 5-6 महीने के लिए। ठीक हो गया। उससे बाद जनाब कुछ छोटी मोटी चीज ले लोगे हो तो वो रास्ता चलता रहता है जनाब, 2-3 दिन बर्फबारी होगी, 2-3 दिन मौसम साफ हो जाता है, हमारे बच्चे खेल जाते हैं, हमारी उस्तानी जाती है, स्कूल चलते हैं, सारी चीज होती है। तो यहाँ बर्फ जो पड़ती है, तकरीबन कितने फुट पड़ती है?
अभी तो कम है जी बर्फ में, हमारे बचपन के जमाने में 16 फुट बर्फ पड़ती थी। अनन केल में 16 फुट तक बर्फ देखी है अभी अभी जनाब 5-6 फुट 7 फुट तक जाती है, रूटीन में होती है। इस दफा ज्यादा हो गई थी 5-6 फुट, 12-5 फुट अभी काफी 10-12 साल हो गए। क्योंकि पहले वक्त हमारे बुजुर्ग कहते थे लोग जनाब जब बिजली आएगी जंगलात खत्म होंगे तो ये चादरें लग जाएंगी जनाब, फिर बर्फ जी है कम हो जाएगी, आबादी ज्यादा हो तो बर्फ कम होगी, हीट अप हो गया, टेम्परेचर ज्यादा आ गया। तो और आप इसमें क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ टूरिज्म से बेहतरी आई थोड़ी बहुत? देखो जी टूरिज्म से बेहतरी आई, लेकिन एक चीज है जो लिबास जो है ना ये अच्छा नहीं है। अच्छा वो कल्चर चेंज हो गया, कल्चर चेंज हो गया, वो सोशल मीडिया का दौर है, उनको गलत बना दिया गया। यहाँ जो बच्चियाँ जो काले रंग के कपड़ों पर पहन पहनती हैं जी जी, वो तो पहन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हम पहन कहते हैं लेकिन जुब्बा, जुब्बा बोल, कश्मीरी जुब्बा, कश्मीरी जुब्बा में, कश्मीरी। ठीक हो गया, ये आप लोग का यहाँ कल्चर है। तो ठीक हो गया जी, माशाल्लाह आपसे बात हुई, आपको बहुत सारी बातें बताई। बस अल्लाह ताला हुकूमत के आगे हमारी ये अपील है, हमें हॉस्पिटल मिले, हमें रोड मिले, आजकल सब बड़ा कोई सही तरह आबादी की तरफ आने लगा, और चूंकि जनाब ताकि हमें अच्छी तरीके टूरिज्म को डील कर सके। बिल्कुल ठीक, आने वाले लोगों को मेहमानों को सीधा घेर दिया जा सके, छूट दे दी जा सके, जो लोग हमारे पास आते हैं वो जाकर बहुत बड़ी तारीफ करते हैं। नहीं आप लोग की डीलिंग अच्छी है, मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते हैं, काम आते हैं लोग। तो क्या नाम बताया दोबारा लोग दोस्तों को बता दें जी, आपका नाम क्या बताया जी? मेरा नाम रोशन खान। रोशन खान साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपने टाइम दिया, तो अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, आपकी इन बातों का हम ऑनर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।